हेलो दोस्तों, तो आज मैं यहाँ पे बात करूँगा इंडस वाटर ट्रीटी की। तो इंडस वाटर ट्रीटी में क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी का समझौता हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे कि आपको मैप में बताता हूँ, ये हमारा इंडिया का ये मैप है और यहाँ से ये जैसे यहाँ से निकल गया है इंडस, जैसे यहाँ पे बताता हूँ इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। जैसे इंडस, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज ऐसे निकली हुई हैं। ये 6 रिवर है यहाँ पर। तो ये 3 रिवर हैं, इनका पूरा जो भी है पानी कौन लेता है, पाकिस्तान है, और इनका लेता है पूरा इंडिया इनका लेता है पूरा पानी, ठीक है। 100% ये इनका इंडिया यूज़ करता है, 100% नहीं कह सकते लेकिन अभी बताता हूँ कितना परसेंट यूज़ करता है। ये पूरा इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आता है। तो इसका जो भी है, इसका इंडिया पूरा 20% यूज़ करता है और बाकी इसका 80% पाकिस्तान यूज़ करता है। इसका इंडिया यूज़ करता है कितना, ये देखिए, इंडिया करता है इसका 20% और 80% करता है इसका कौन, पाकिस्तान, ठीक है। जो इसका 20% है ना, ये रावी व्यास सतलज वाला, ये हमारा है पूरा रावी व्यास सतलज। ये रावी व्यास और सतलज हम इसका पूरा पानी यूज़ कर सकते हैं 100%, लेकिन हम कितना करते हैं 93 से 97 के आसपास यूज़ करते हैं, यानी कि 4 या 5% नहीं करते, ठीक है। ठीक है, इतना पानी यूज़ नहीं करते हम इसका। तो जो भी है इतना पानी हम यूज़ नहीं करते, लेकिन जो आपको बता दूँ कितना है इसका टोटल, ये जितनी है ना इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो इनका 163 मिलियन एकड़ में ये फैला हुआ है, लेकिन हमारे पास कितना है 33 मिलियन एकड़, जो कि लगभग इसका कितना है 20%, जो कि इंडिया यूज़ करता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी की मध्यस्थता किसने कराई, यानी कि इनके बीच में कौन था, वर्ल्ड बैंक ने इनकी मध्यस्थता कराई थी, यानी कि उन्होंने ही बताया था कि इतना पानी इंडिया यूज़ करेगा और इतना यूज़ कौन करेगा, भारत यूज़ करेगा, भारत और पाकिस्तान दोनों इतना पानी यूज़ करेंगे। तो अभी जो रावी व्यास सतलज है, इनका हम इतना पानी यूज़ कर सकते हैं 93 से लेकर 97, और हम इस पर कई इरीगेशन बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं। देखो, हम डैम बना सकते हैं इस पर, हम सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, है, और इस पर क्या कर सकते हैं, हम रन ऑफ रिवर, जैसे कि हम कोई भी, जैसे कि ये बैरी है, ये नदी बैरी है, तो इसका बहाव नहीं रोकेंगे हम, इसके अंदर कुछ भी ऐसे टर्बाइन वगैरह लगा के हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी, आपको समझ आ गई होगी, इतना आई थिंक ठीक समझ आ गया होगा, तो बताइए, वरना कमेंट में मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस।